अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में मोहम्मद इकबाल आपको खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, आपके तमाम बहन भाई ठीक होंगे और दोस्तों आपके तमाम परिंदे भी ठीक होंगे। तो मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ ये मजदूर लगे हुए हैं और ये कटे जो है ना चावलों के छिलके के कटे जो है ना पुर कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ साथ रहना है। तो दोस्तों ये चावलों का छिलका बिल्कुल पाउडर बना हुआ है, तो ये अभी ढेर अच्छा खासा ढेर लगा हुआ है और ये इकट्ठे कर रहे हैं मजदूर जो लगे हुए हैं अभी। तो आगे ये मजदूर भाई जो सिलाई कर रहा है मशीन से, आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों ये मशीन किस तरह सिलाई करती है। बहुत टैलेंट के साथ ये मशीन सिलाई कर रही है, आपको दिखाता हूं, सिलाई वाली मशीन है तो आप देख सकते हो। बड़ा टैलेंट है भाई को, इसकी जो ना मशीन ये इसका गट्टू सिलाई करने का बड़ा तजुर्बा है भाई को और मशीन भी इस तरीके से पकड़ रहा है, आप देख सकते हो आराम से सिलाई हो सके। भाई कुछ कहना चाहोगे जी? क्या कहना चाहोगे जो बोलो आप। कितने दिहाड़ी मिलती है भाई? भाई इधर दिहाड़ी तकरीबन 1500 दिहाड़ी मिल जाती है शाम के टाइम। अच्छा, कितने बजे सुबह को आते हो जी? सुबह कितने बजे? सुबह तकरीबन 8 बजे आते हैं। अच्छा, 8 बजे आते हो जी। काम नॉर्मल है या सख्त है? काम नॉर्मल भी है सख्त भी है। अच्छा, दोनों काम है जी जी। तो दोस्तों ये अभी मुतमिन है इस काम पे, बस क्या कहे, रोजी है बच्चों की करनी पे। नहीं नहीं सही है। तो दोस्तों ये इसका टैलेंट है आपको दिखा रहा हूँ। तो ये भाई ज़बरदस्त किस्म के यानी तरीके के साथ सिलाई कर रहा है। तो बाकी दूसरे मजदूर भी दिखा रहा हूँ जो अभी कांटे पे अभी ये तोल कर रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे? नहीं भाई। तो ये दोस्त अभी तोल कर रहे हैं इस कांटे के ऊपर, मनु के हिसाब से बेच रहे हैं दोस्तों। 88 किलो का ये बना के ये गट्टू बेच रहे हैं। तो दोस्तों ये आगे ये साडा मामा शुभान भी लगा हुआ है उधर, ये अभी इस छिलके का जो पाउडर इकट्ठे कर रहा है उधर चावलों के छिलके का, ये जो 200 पाउडर है जो साफ़ होते हैं चावल और बिल्कुल पाउडर बन जाता है उसका जो छिलका है, ये आपको दिखाता हूँ। ये घोड़े और ख़ास करके खोते जो हैं, भैंसें भी खाती हैं मगर खोते जो हैं बहुत शौक से खाते हैं ये। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद आप तमाम दोस्तों को मालूम देना। तो ये मजदूर लगे हुए हैं, तो इनका अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो अभी घंटा इनकी ब्रेक है खाने की, तो ये अभी जा रहे हैं उधर खाने के ब्रेक पे, उसके बाद काम करेंगे। तो उसके बाद जो बकाया काम रह गया दोस्तों उसके बाद ये यानी कि काम पे आएंगे, अभी ये करते हैं ब्रेक, एक घंटा इनकी ब्रेक है खाने की। तो टी जो ये पीते हैं टी का टाइम इनका मेरे ख्याल में 15-20 मिनट है, 20 मिनट की टी की ब्रेक होती है इनकी। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद आप तमाम दोस्तों को मालूम देना। आगे सारी की सारी जो बोरियां हैं इसमें चावल हैं यानी छिलके वाले चावल हैं यानी कि साफ़ होने हैं अभी। तो ये जो साफ़ हो गए अंदर गोदाम में, ये छिलका है वही जो पाउडर बना हुआ है जो भैंसें भी खाती हैं, घोड़े भी खाते हैं और खोते भी खाते हैं, ये सारे के सारे उनकी खुराक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी वीडियो आप तमाम दोस्तों को और मेरी बहनों को जो यूट्यूब देख रही हैं उनको पसंद आई होगी। किसी भी मुल्क की हैं उससे गुजारिश है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो भी मैं नवी वीडियो बनाऊँ आप दोस्तों और आप बहनों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना है, तब तक दे मोहम्मद इकबाल को इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के बाद दुआ में याद रखें।